खुशखबरी है तुम्हारे लिए, तो सोचा साथ में सेलिब्रेट करते हैं। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ ये मामला कितने में रफा दफा किया तुमने। जुबान संभाल के बबुआ, तेरे बाप चंद्रभान ठाकुर से कह देना कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तुम सबकी मौत का सबसे बड़ा औजार है मेरे पास। कैसा औजार? ये देख, पेन ड्राइव। पद्मा के साथ हुए हर हरकत पर जीता जागता सबूत, और ये कॉपी है तेरे घर के सीसीटीवी के हार्ड ड्राइव की। हमें सारे सबूत मिटाने हैं। सारे सबूतों को मिटाया नहीं जा सकता पद्मा, मुझे ऐसा लग रहा है हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। उस जगह से निकल रहे हैं जहाँ से इस क्राइम की शुरुआत हुई थी। हाँ, तुम जिस दिन मुझसे टकराई थी उस दिन राजपूत परिवार के घर पे माता की चौकी थी और चंद्रभान ठाकुर के घर पे फूल पार्टी। जगह, दिन, तारीख, महीना, टाइम सब कुछ पता है, पर आखिर ऐसा क्या है जो पता नहीं है? युवराज ठाकुर और उसके दोस्त स्विमिंग पूल के पास पूल पार्टी कर रहे हैं, शराब पी रहे थे वो लोग। हाँ दीदी, लेकिन मैंने तो उन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंजलि अवस्थी के नए एपिसोड के बारे में, जिसमें अंजलि के निस्वार्थ कार्य ने पंकज को प्रभावित किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो वो किस तरह दूसरों को प्रभावित कर सकती है। हाल ही में अंजलि ने एक ऐसा काम किया जो न केवल उसके करियर को प्रभावित करेगा बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन में भी बदलाव लेकर आएगा। पंकज जो हमेशा अंजलि की काबिलियत का सम्मान करता था, अब उसके इस निस्वार्थ कार्य से और भी ज्यादा अधिक प्रभावित हो जाता है। कि आपको याद है कि पिछले एपिसोड में अंजलि ने किस तरह से दूसरों की मदद की थी, उसका ये कार्य उसके व्यक्तित्व का एक और नया पहलू दिखाता है। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है कि आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जिससे आपको बहुत ही प्रेरणा मिली हो? आप अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अंजलि के इस कार्य ने उसके और पंकज के बीच एक नया रिश्ता स्थापित करने का मौका दिया है। क्या ये दोनों के बीच की दोस्ती और भी मजबूत होगी? क्या पंकज को अंजलि की क्षमताओं पर और भी विश्वास होगा? इसी बीच हमें यह भी देखना होगा कि अंजलि इस नए बदलाव को कैसे संभालेगी। क्या अंजलि अपने करियर में आगे बढ़ सकेगी या क्या ये नया रिश्ता उसे और कहीं लेकर जाएगा? दोस्तों आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या निस्वार्थ होना आजकल के समय में जरूरी है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंजलि का निस्वार्थ कार्य ने न केवल उसकी बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी काफी अच्छे से प्रभावित किया है। ये दिखाता है कि अच्छी भावना किस तरीके से पूरे समाज को बदल सकती है। आगे चलकर हमें देखने को मिलेगा कि क्या अंजलि और पंकज की ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती में रह जाएगा या फिर आगे और कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि उनकी दोस्ती एक रोमांटिक रिश्ते में बदल जाएगी या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।